नमस्कार दोस्तों, कोरोना हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी में बवाल, पुलिस पर पत्थरबाजी कर बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। चलिए जानते हैं विस्तार से। कोरोना संक्रमण के लिहाज से राजधानी का हिंदपीढ़ी इलाका हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने इलाके के 15 एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया है। पूरा इलाका सील कर कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग प्रशासन के इन कदमों का उल्लंघन करने में लगे हुए हैं। सोमवार देर रात हुए बवाल के बाद मंगलवार को भी यहां रुक रुक कर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मंगलवार को हिंदपीढ़ी के थर्ड स्ट्रीट और सरफराज चौक के समीप जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान प्रशासन की बैरिकेडिंग को लोगों ने तोड़ दिया। लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सड़क पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस के वरीय अधिकारी भी मोहल्ला पहुंचे और मामले को शांत कराया। इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की, लेकिन पुलिस ने संयम दिखाते हुए पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया और स्लाइडर बैरिकेडिंग लगाई। रांची के सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। हिंदपीढ़ी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण के शिकार न हो जाएं, इस बात की चिंता वरीय अधिकारियों को है। इसी वजह से उन्हें बदल बदल कर ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। रांची सिटी एसपी ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि हिंदपीढ़ी में जो भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ये निर्देश दिया गया है। बता दें कि सोमवार देर रात हिंदपीढ़ी में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, लेकिन टीम को देखते स्थानीय लोग कुर्बान चौक के पास हंगामा करने लगे। मेडिकल टीम और पुलिसकर्मियों को खदेड़ दिया गया। आक्रोशित लोगों ने बवाल काटते हुए नाला रोड स्थित सैनिटाइजर केबिन और एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की। सुबह 5 बजे स्थिति को काबू में कर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रिम्स ले जाया गया। हिंदपीढ़ी में मेडिकल टीम को रोकने की घटना पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कड़ी आपत्ति जताई। श्री गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को रोकना देशद्रोह जैसा अपराध है। राहत एवं बचाव कार्य में लगे सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र के फैसले के साथ झारखंड सरकार है। इससे पूर्व रांची में कोरोना मरीज के शव दफनाने का विरोध कर रहे 816 लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है, जिनमें 16 नामजद और 800 अज्ञात व्यक्ति हैं। साथ ही आज अंजुमन इस्लामिया ने बयान जारी करके कहा है कि कोरोना से संक्रमित मृतकों को रातू रोड के कब्रिस्तान में ही दफनाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बारे में एक विस्तृत गाइडलाइन कल जारी करने का ऐलान किया है। धन्यवाद।